हमारा स्थान बीजेपी ने ले लिया है। इस भूख को पैदा करने के लिए जो हमारे गठबंधन के साथी हैं वो हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं। बहुत सारी दिक्कतें पार्टी के सामने खड़ी की गई हैं। सत्ता के द्वारा जो है नग्न नाश धन शक्ति का और सत्ता शक्ति का किया जा रहा है। जो सत्यता है उस सत्यता को स्वीकार करना पड़ेगा। हम को जब तक सत्ता के लिए भूख पैदा नहीं करेंगे अपने अंदर, हमारा स्थान बीजेपी ने ले लिया है हर स्तर पर। कोई राष्ट्रीय स्तर की बात या प्रांतीय स्तर की बात नहीं है, गांव के स्तर पर भी, मोहल्ले के स्तर पर भी उनके कार्यकर्ताओं ने हमारा स्थान ले लिया है। जब तक हम उनको उस स्थान से पदच्युत नहीं करेंगे, उनको हटाएंगे नहीं, तो हम कैसे अपने मोहल्ले के नेता हो पाएंगे, अपने गांव के नेता हो पाएंगे, अपने ब्लॉक के नेता हो पाएंगे। तो मैंने इसलिए कहा कि इस भूख को पैदा करने के लिए जो हमारे गठबंधन के साथी हैं वो हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं। आपने ये भी कहा है उठो जागो और लड़ो जीतो। इस समय प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक कांग्रेसजन को अपनी स्वयं की शक्ति का आह्वान करना है। साधन नहीं है और बहुत सारी दिक्कतें पार्टी के सामने खड़ी की गई हैं। सत्ता के द्वारा जो है नग्न नाश धन शक्ति का और सत्ता शक्ति का किया जा रहा है। तो इसमें हम जब तक करो और मरो की भावना से इस चुनाव को नहीं लड़ेंगे, काम नहीं चलेगा। राहुल जी, आपका ये इस तरह का बयान, कांग्रेस लेजी हो गई है और भाजपा हमारी जगह ले रहा है, इस तरह का बयान है आपका, किस तरह? ये बयान जो सत्यता है उस सत्यता को स्वीकार करना पड़ेगा। भाजपा सत्तारूढ़ दल होते हुए भी सक्रिय है और हम उस अपेक्षा में सक्रिय नहीं हो पा रहे। हमको उनसे ज़्यादा सक्रिय होना चाहिए क्योंकि हमको उनको अपने स्थान से हटाना है। तो कांग्रेस किस तरह सक्रिय होगी, क्या क्या जरूरत है सक्रिय होने के लिए? ये हर किसी को अपने मन में सोचना है। उसके लिए कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई एक बूटी हो और बूटी हम वो कर ले। उसकी एक ही बूटी है कि हमको अपना स्थान, जो हमारा स्थान था जिसे भाजपा ने ले लिया, उस स्थान को ग्रहण करना है, उसको प्राप्त करना है। आपने कहा है कि हरिद्वार सीट हम जीत रहे हैं, अन्य चार सीटों को भी जीतने की उम्मीद है। उत्तराखंड में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ये भूख दिखाई दे रही है कि हम सत्ता में आए, तो उसके लिए वो ये मान करके चल रहे हैं कि पार्लियामेंट का चुनाव हमारे पास अवसर है और उस अवसर को खोना नहीं चाहते। इसलिए पांचों सीटों पर बड़ी ज़बरदस्त टक्कर इस समय कांग्रेस के लोग दे रहे हैं और मुझे लगता है कि कांग्रेस पांचों सीटों पर 2009 का इतिहास दोहराएगी। टिहरी में आगे चल रहे हैं, अल्मोड़ा में कांटे की टक्कर। मैंने कहा सब जगह जो है हम 2009 के इतिहास को दोहराएंगे और इस बार पौड़ी हमको लीड कर रहा है और मेरी कोशिश है कि हरिद्वार जो है पौड़ी के साथ कंधे से कंधा मिला करके चले लीड करने के मामले में, जीत के लिए लीड करने के मामले में। प्रियंका गांधी वाड्रा के पति है रॉबर्ट वाड्रा, उन्होंने अमेठी से चुनाव लड़ने के संकेत दिए, राज्य में सक्रिय राजनीति में। पार्टी को तय करना है, पार्टी क्या तय करती है पार्टी को देखना है और गांधी नेहरू परिवार को तय करना है कि किस कौन व्यक्ति है जो उनकी परंपरागत सीट से चुनाव लड़े। अच्छा राहुल जी, कांग्रेस को किस तरह जगाने का काम करेंगे आप लोग, क्योंकि वरिष्ठ कांग्रेस नेता है, किस तरह जाएगी कांग्रेस? स्वयं को उदाहरण बना करके,